भाई कल से न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है, असम T20 प्राइड कप 2024। हर सीजन यह सीरीज खेला जाता है, लेकिन इनसे पहले असम T20 हुआ था। क्या हम लोगों ने लगातार मिनी जीएल पे मिनी जीएल, वहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही थी कि फिक्सिंग वगैरह का भी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने लगातार विन करते गए। तो क्या इस मुकाबले में हम लोग विन करेंगे या फिर फिक्सर यहाँ तक भी पहुँचेगा, तमाम चीज़ें बताएंगे और एक शानदार टीम बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 8:45 बजे खेला जाएगा यह मुकाबला। NSC वर्सेस CCC के बीच मुकाबला खेला जाएगा। बहुत सारे प्लेयर होंगे जिनको आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होगा जिनको आप पहचानते भी नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, ऐसे ऐसे प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो आपको वन साइडेड विन करा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हो तो भाई कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहीं पे तो मैं फाइनल टीम दूंगा जो टीम से मैं खुद खेलता हूँ, फिर GL का भी टीम दूंगा, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता लगती है ना, सारा कुछ यहीं पे मैं देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे यहाँ पर देख सकते हो, ब्लू कलर में सौरव सामाजिक 84 टेलीग्राम है, इसी को टच यानी क्लिक करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54K यानी 54,000 प्लस लोग जुड़े हैं। आप भी यहाँ पर जुड़ जाओगे, बिल्कुल फ्री में फ़ायदा उठाकर जा सकते हो। लगातार अच्छा गया कुछ दिन से देखा जाए तो असम T20, और रिसेंटली देखा जाए तो अभी कुछ खास मैच चल भी नहीं रहा और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं चल रहा। अब यहाँ से देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड को सामने नहीं है। NSC की बात किया, रिसेंट फॉर्म लॉस विन लॉस विन लॉस इसे करके आ रहा है, और CCC की टीम लॉस विन लॉस विन विन इसे करके आ रहा है। यानी NSC की टीम 5 में से 3 हार के आ रही है, तो CCC की टीम 5 में से 3 विन करके आ रही है। एच ज्योति डेका कमाल का प्लेयर है भाई, 94 मैच 1635 रन है, 23 का एवरेज और 57 विकेट भी है। रिसेंट फॉर्म देखोगे 7 रन प्लस 1 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 22 28 33। ये सुनार की बात की जाए, टीम का कैप्टन है, विकेट कीपरिंग भी करेगा, तो भाई यहाँ पर ये विकेट भी लेता है। अगर यदि विकेट कीपरिंग की भूमिका में रहेगा तो गेंदबाजी नहीं करेगा। 102 मैच खेला, 1864 रन, 23 का एवरेज, 7 में 47 विकेट। अगर यदि ये गेंदबाजी करता है तो फिर इम्पोर्टेंट रहेगा, वरना रिसेंट फॉर्म गड़बड़ है। एम आलम की बात की जाए, देखोगे 68 मैच में 1491 रन है, 32 का एवरेज है, 7 में 79 विकेट है भाई। तो ये कमाल का प्लेयर होना चाहिए, करियर रिकॉर्ड बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों अच्छा लग रहा है। जियाउर रहमान की बात की, 38 मैच में भाई 49 विकेट है, 16 कवरेज है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गेंदबाजी इनका मेन पॉइंट है, लेकिन रिसेंट फॉर्म में आपको बल्लेबाजी मेन पॉइंट दिखेगा, 57 प्लस 0 विकेट। के राइजा की बात की जाए, 73 मैच में 69 विकेट है, 26 कवरेज है, रिसेंट फॉर्म 10 रन प्लस 0 विकेट, 25 रन बनाया बल्ले से फिर 3 विकेट भी ले गया, तो ऐसा है। पी कमाती की बात की जाए, पीयूष कमाती 38 मैच में 31 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे 22 प्लस 2 विकेट, एक हाईलाइटिंग है, बाकी कुछ खास नहीं है। मोहम्मद हबीबुल्लाह की बात की जाए, 19 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 2 30 44 23 0। जे कृष्णा नाथ की बात की जाए, 29 मैच में 30 विकेट है, ठीक ठाक है, पहले गेंदबाजी में हमें लगता है इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उज्जल दास की बात किया, 35 मैच में 53 विकेट है भाई, कमाल का रिकॉर्ड है, लेकिन रिसेंट फॉर्म गड़बड़, 2 में दोनों बार विकेट लेस गया। राजीव दास 48 मैच में 74 विकेट, ओ भाई कैप्टन BC का तगड़ा चॉइस होगा, स्पिनर एक तो है, दूसरा चॉइस करियर रिकॉर्ड शानदार है, तीसरा चॉइस रिसेंट फॉर्म भी शानदार, विकेट लेस गया ही नहीं। राकेश दास की बात की जाए, 8 मैच में 8 विकेट, एवरेज प्लेयर है, सिचुएशन को देखते हुए पिक करेंगे। बेंच में से यहाँ से कोई प्लेयर खेलेगा आप अपने टीम पर ले सकते हो, डी गगोई का यहाँ पर देख सकते हो, 21 का एवरेज से 6 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 33 प्लस 2 विकेट, 1 प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 4 विकेट, 2 रन 0 विकेट, तो अच्छा है भाई, खेलता है तो टीम पे ले सकते हो। बाकी राजीव कलिता का रिकॉर्ड मुझे ज़्यादातर मिला नहीं, लेकिन खेलेगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर जुड़े रहना। इस दास की बात की, 21 मैच में 30 विकेट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा करियर के आधार पर, रिसेंट फॉर्म के आधार पर नहीं। इमरान शेख की बात की जाए, 76 मैच में 104 विकेट है,
रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 26 रन बल्ले 0 विकेट, 6 रन प्लस 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, यानी कुल मिलाकर आपको 30-40 पॉइंट देने की हर मैच में संभावना है। आशा करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी कर देना। अब चलिए दूसरे टीम की ओर चलते हैं। सीसीसी की टीम की बात की जाए, एक ओटानी की बात का, ये अच्छा प्लेयर है भाई, थोड़ा सा इनके पास अनुभव है, रिसेंट फॉर्म कुछ आपको लड्डू लड्डू 6, उसके बाद 78-20 का योगदान आया, 29 के एवरेज से यह बंदा रन बनाता, विकेट कीपरिंग की भूमिका में रहेगा। संजय सिंह की बात की, 109 मैच में 27 विकेट है, गेंदबाजी इनका मेन काम नहीं है, बल्लेबाजी है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है 34-30। मित राजकुमार की बात का, 33 मैच में 17 विकेट है, रिसेंट फॉर्म गड़बड़ है, 23-0, बल्लेबाजी नहीं आई 3-20। रोमारियो शर्मा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इनका कई कबार ना गेंदबाजी नहीं मिलता, कई कबार गेंदबाजी मिल जाता, ये थोड़ा सा लोचा है। रिसेंट फॉर्म देखो 18-13-5, 42 रन फिर बल्ले से, फिर 0 विकेट, यानी गेंदबाजी भी किया इस मैच में। संजीव बर्मन ये कमाल का प्लेयर भाई, अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अच्छा करके दिखाया, 127 मैच में 21 के औसत से तो रन बना था, 150 विकेट है भाई, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 10 रन फिर 1 विकेट, 2 बार बल्लेबाजी नहीं आई, कुछ नहीं किया, ना ही गेंदबाजी किया, ये फिक्सिंग का असर था, फिर इनको ओपन भेज दिया गया था, 66+1 विकेट। तजिंदर सिंह ये भी कमाल का ऑलराउंडर है भाई, 60 मैच में 19 के औसत से 60 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 2 रन 1 विकेट, 19 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, यानी विकेट ले रहा है। गोपाल कृष्णा घोष की बात के, 60 मैच में 94 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, फिर बल्लेबाजी नहीं आई, फिर 1 विकेट। अनूप भुजेल की बात की जाए, 59 मैच में 21 विकेट है, 15 का औसत से, बाकी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। वी पांडे ये ठीक ठाक गेंदबाज है भाई, 1 विकेट, फिर 13 रन 5 विकेट, फिर 14 रन 2 विकेट, 30 रन 1 विकेट, वी पांडे अच्छा करका है, रिसेंट बहुत बढ़िया इनका है। पी दास की बात की, इनका भी रिसेंट फॉर्म बढ़िया, बस बस सत्य, कई कबार इनसे गेंदबाजी नहीं कराया जाता है, 2 विकेट 3 विकेट ऐसे करके 2 बार गेंदबाजी नहीं कराया गया। पंकज खाडल की बात किया, 26 मैच में 30 विकेट है, रिसेंट फॉर्म मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना अच्छा रिकॉर्ड भाई, 1 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ऐसे करके आ रहा है। बेंच में से यहां पर देखा जाए, एसएस राणा की बात किया, खास रिकॉर्ड नहीं है, सी दास की बात किया, ये कमाल का प्लेयर है, खेलता है तो अपने टीम पे जरूर लेना, 25 रन बल्ले से प्लस 3 विकेट भी है। पंकज राय की बात की जाए, राइट हैंडेड बैट्समैन है और 55 मैच में 27 विकेट है, रिसेंट फॉर्म कुछ नहीं मिला इसको, सिर्फ सांस ले रहा था और छोड़ रहा था, ये गलत बात है भाई। ओम प्रकाश महंता की बात की जाए, 29 मैच में 32 विकेट ठीक ठाक है, लेकिन रिसेंट फॉर्म एक मुकाबला खेला जहां पर इनसे कुछ नहीं कराया गया, भाई इतना उसूब है, कुछ तो करवा लेते। आशा करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए होंगे, जुड़े रहना है। चलिए कॉम्बिनेशन के जरिए समझते हैं कौन कौन सा प्लेयर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्लेयर हम लोगों को वन साइडेड तरीका से मिनी जीएल जीएल देख विन कराकर दे सकता है। जी हमारे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे लोग रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। ये सोनार गेंदबाजी करता तो इम्पोर्टेंट है, एकोटानी भी इम्पोर्टेंट, दोनों विकेट कीपर बढ़िया रहेगा। पहले ऑलराउंडर सेक्शन में चलते जो इम्पोर्टेंट है, वी पांडे, एस बर्मन कई कवर ओपन भी भेज दिया जाएगा, टी सिंह इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे भाई, के राइजा के ऊपर नज़र रखना, ये बहुत बढ़िया किया था रिसेंटली, अभी जो चल रहा था आईसिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप अपने टीम पर ले सकते हो। पी खाटल को यहाँ से पिक करूँगा, आर दास को यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ, बाकी आईसिक के साथ आप चले जाना ठीक ठाक है। आर शर्मा को यहाँ से, एच ज्योति डे का इनके पास अनुभव है यार, खेलने का बहुत तगड़ा है। एम हबीबुल्ला को चाहो तो पिक कर सकते, फिलहाल मैं अभी यहाँ से एस सोनार को पिक कर रहा हूँ। अब देखो ये कोटानी को मैं पिक करूँ, लेकिन रिसेंटली इसका ना कई कबार खेलता तो बड़ा इनिंग, वरना सस्ते में भी नहीं पड़ जाता, तो थोड़ा सा गेंदबाजी विकल्प के साथ मैं ज़्यादा जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ से मेरे भाई आईसिक को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। पीदास अगर यदि देखा जाए तो सेकेंड गेंदबाजी में अच्छा खासा स्पिन गेंदबाजी कर सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। इनका भी रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बस बसरते है कि ओवर कट ना हो। तो
तो यहाँ से मैं इन्हीं के साथ जाता हूँ। कैप्टन बीसी के लिए देखा जाए वी पांडे सेफ चॉइस है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा नीचे आता है। तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ किनके ऊपर जाऊँ किनके ऊपर जाऊँ। एस बर्मन को कैप्टनसी, बीसी में टी सिंह को दे रहा हूँ। वैसे वी पांडे जो है उनको भी मैं कैप्टनसी दे सकता हूँ, वो पिच रिपोर्ट सिचुएशन के आधार पर मैं देखूंगा। फिलहाल के लिए मेरे भाई ये टीम सेव करके रखो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक फीलिंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।